स्रांगशालो DWF नि खा हमरिमा पांदा एबा फेलिसिएशन प्रोग्राम पांदा व मानजाखा बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक कदे बरमा ते पंचायत चंगबाड़ी व कताल आचुक थे मानै रंगनो ब हामबाय ते खा का हमिया फरका इत्रा मोथा एक पहला आंचलिक पार्टी है जिसने बंगाली को भी चांस दिया, जो चा बागान में काम करता था उनको भी चांस दिया, मणिपुरी को भी चांस दिया, मुसलमान को भी चांस दिया। और ये हमने किया जबकि हम जानते थे कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन तभी भी हमने अपने तरफ से पूरा दम दिखाया और काम किया। इलेक्शन खत्म होने के बाद हम भूल सकते थे कि हम पंचायत इलेक्शन नहीं फाइट करेंगे, लेकिन टिपरा मोथा ने पंचायत इलेक्शन फाइट किया और आज अगर बहुत लोगों को कष्ट है कि उनका काम नहीं हो रहा है, उनके ऊपर दबाव है, तो आज टिपरा मोथा एक पार्टी है जो आपको सुरक्षा भी दे सकता है, आपको सुरक्षा को छोड़कर आपको अधिकार भी दे सकता है। क्योंकि हमारा सिद्धांत अलग है, हम धर्म के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करते, हम संविधान में विश्वास करते हैं। और मैं बुबाग्रा आपको जो प्यार से बुलाते हैं, मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। मैं पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, नाम कमाने के लिए। और अगर आपको अच्छा नाम कमाना है तो कभी कभी आपको भी अपने दिमाग में एक बात क्लियर करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, क्या मैं आज पब्लिक जिंदगी में आया हूं पैसा कमाने के लिए? तो अगर यही आपका मूल्य उद्देश्य, नो प्रॉब्लम, कमाना चाहिए पैसा, राजनीति में मत ज्वाइन कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए, कहीं में नौकरी लीजिए। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विस में आते हैं, जब आप सरकारी काम में आते, जब सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, तो आपका फर्स्ट जो आपका काम होता है वो होता है जनता का सहायता। ये सिर्फ राजनीति में नहीं है, अगर कोई पंडित है तो उनका पहला सेवा होना चाहिए ईश्वर और उनके उनके लोग जो ईश्वर को मानते हैं। अगर आप पादरी हैं, पास्टर है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी to help your people who come to the church and also to the society. अगर आप मौलवी हैं तो आपका काम अपने कौम को उठाने के लिए है, अपने next generation को अधिकार देने के लिए है, उसके बाद अपने बारे सोचो। अगर सिस्टम में आप आ चुके हैं और आज इस बार आप जीत के आए, आपको पब्लिक ने चुना, आप लोग इस मुकाम में है, आज आप लोग इस सिस्टम में है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने लोगों के लिए काम करें। एक पद, एक जगह, एक सम्मान पूरी जिंदगी आपका शौके थकबे ना। आज का आपका काज एक चांस आज, एक चांस सबर पास आए ना, एक चांस অনেক জন ছিল, উনি কন্টেস্ট করেছেন, জিতলাম না, আপনি জিতেছেন। আজকে আপনার দায়িত্ব আছে, প্রথমে আপনার গ্রামে যে আপনার সাহায্য করেছে ওনার নিয়ে আপনি কাজ করেন, যে আপনার সাহায্য করেছেন না, যে বিজেপির ভোট করেছে, যে সিপিএমে ভোট করেছে, যে কংগ্রেসে ভোট করেছে, ঠিক আছে, ওনার ভোট ওনার অধিকার আছে। আপনি আপনার দায়িত্ব থাকবে কি আপনার পুরো আপনার যে গ্রাম আছে, আপনার জেলা পরিষদ আছে, পঞ্চায়েত আছে, এই জায়গাতে আপনার সবাই নিয়ে আপনার কাজ হবে। যে সময় আপনি ইলেকটেড লিডার হয়ে যায়, আপনার দেখবেন না যে উনি সিপিএম আছে, উনি কংগ্রেস আছে, উনি বিজেপি আছে, সবাই ত্রিপুরার মানুষ।
এই মনে রাখতে হবে আপনার কি কেউ বাঙালি নয়, কেউ ট্রাইবাল নয়, কেউ মুন্ডা নয়, কেউ মুসলমান নয়, কেউ হিন্দু নয়, কেউ খ্রিস্টান নয়, সবাই দুটো। অন্তর্গতটা আমি সবই ইন্ডিয়ান, ভারতীয়। আর আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে আপনার গ্রামে, আপনার এলাকাতে, আপনার জায়গাতে, আপনার সবাই দিয়ে একসঙ্গ হয়ে কাজ করবে। গ্রাম না উঠলে শহর উঠবে না, শহর না উঠলে রাজ্য উঠবে না, রাজ্য না উঠলে দেশ উঠবে না। গ্রাম দিয়ে আপনার কাজ আরম্ভ করতে হবে, পঞ্চায়েত দিয়ে আপনার কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমি রাজনীতিতে আমার লোক টাকা নয়, আমার মনে একই কথা আছে কি ঈশ্বর আমার সব দিয়েছে, রাজমহল দিয়েছে, মা বাপ ভালো শিক্ষা দিয়েছে। আর জিন্দগিতে আপনার একই কাজ বিজয় করতে হবে, আপনার নাম, এই নাম, এই নাম আপনার বাপ দেবে না, দাদা দেব না, বাড়ি দেব না, গাড়ি বাংলা এইসব দিয়ে আপনার নাম আয় না। ভালো করো, সাহায্য করো, যে গরিব আছে, যে বঞ্চিত আছে ওনার সাহায্য করো, ভালো দিয়ে কথা বলে। অনেক সময় আপনি সবাই সাহায্য করতে পারেন, বহু সময় আপ বহু লোককে হেল্প নেই কর সকতে, সুবিধা নেই, ঠিক সে বাত করো, হাস কে বাত, प्यार से जो मेरा दिल का बात है बात पहुंचाना। मैं बहुत लोगों को अब चांस नहीं दूंगा जिसने मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेकर यहां तक आए हैं लेकिन मेरे पीछे मुझे गाली देते हैं, करप्शन करते हैं, मैं उनको अब चांस नहीं दूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये आप लोग मुझे और मेरा बात को आप पहुंचा नहीं सकते, देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दो सेकंड में छोड़ नहीं सकता, नुकसान आपका ही होगा। 1988 के बाद कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, 2020 से अभी तक 4-3 अग्रीमेंट हो गया, टिपरा सा अग्रीमेंट भी अभी आगे बढ़ेगा एनएलएफटी का होने के बाद, ब्रू अग्रीमेंट। लेकिन मैं अकेला थी, कितने लोग ने हेल्प किया। और जिस दिन गुबागरा हट जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप लोगों का क्या पोजीशन होने वाला है। लेकिन आप लोग में भी बहुत लोग हैं जो हमको वैल्यू नहीं करते, अगर वैल्यू करता तो जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने का आप लोग कोशिश करते। आंसू से सब कुछ नहीं होता। आज एक जनरल सेक्रेटरी मेरा टीडब्ल्यूएफ का बोला कि किसी ने पैसा मांगा पार्टी फंड के, बोला नाम बताओ, बोला नाम नहीं बताया, डरता है। जो औरत डरता है वो कहां से फाइट कर सकेगी, बोला एजुकेटेड पीपल यू आर नॉट सपोज टू बी स्केयर्ड, यू आर सपोज टू फाइट एंड डोंट बी स्केयर्ड unless you're doing something wrong yourself. If you are weak, people will take advantage. अगर आप लोग कमजोर है, people will always take advantage. Be mentally strong. यहां से अपने आप को सशक्त करो। त्रिपुरा आसान जगह नहीं है रहने के लिए, त्रिपुरा आसान जगह नहीं है। It's not an easy place to survive in. And it is even more difficult for a woman to survive in. इसके लिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, think about what is right, what is wrong, and work for the
the people. Well, I know Hambai. Thank you, Guruji. Surma mein, Kamalpur mein, Kalyanpur mein, Dhanpur mein, Sonamura mein, Pani Sagar mein, और बहुत तेलियामुरा में, और ऐसा बहुत जगह है जहां पे हम मोहनपुर में हम लोग सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन में, उस समय हमारा पास पंचायत का सपोर्ट नहीं। अगर उस समय पंचायत का सपोर्ट होता तो हम लोग जीत भी सकते। आज अगर आपने अपने एरिया में अच्छे से काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, मत देखो कि कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, मत देखो कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, अपने लोगों के लिए काम करो। मैं त्रिपुरा को उठाना चाहता हूं, त्रिपुरा के जनजाति और जो मूल्य स्थानीय लोग हैं, जो बंगालीज हैं, जो मणिपुरीज हैं, जब मैं तिपरासा बोलता हूं तो उसमें हमारे मुंडा लोग भी दूर नहीं, हमारे जो चा बगान में काम करते हैं, हमारे मुसलमान बहन हैं। आज अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, त्रिपुरा को आगे बढ़ना है, तो 50% हमारा पॉपुलेशन, हमारा आबादी 50% आबादी संख्या औरत है, बुरुई है। और अगर हम औरत और बुरुई को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा सोसाइटी पीछे ही रहेगा, क्योंकि जब माँ के पास शिक्षा आता है तो माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लड़का भी आगे बढ़े तो लड़के से पहले मां को ऐसा शिक्षा मिलना जरूरी है। पॉलिटिक्स बहुत लोगों के लिए पहली बार है, और मैं आपको बोलता हूं ये बहुत गंदा राजनीति, लेकिन अगर आपका दिल सफा हो तो इस गंदगी में भी आप अपने लोगों को कहीं ना कहीं, अगर आपका दिल साफ हो तो आप हेल्प कर सकते हैं, सहायता दे सकते। यहां में मैंने देखा है ट्राइबल नॉन ट्राइबल का, और मेरा नाम खराब होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब मैंने कुछ गलती ही नहीं किया, मैं हेल्प करना चाह रहा हूं अपने लोगों को, और तभी भी हमारे ही इतरासा लोग अपने बारे सोच रहे और अपने लोगों के बारे नहीं सोच रहे, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना, क्योंकि बदनामी मेरा ना, मुझे पैसा मिल रहा है ना, मुझे कुछ पोस्ट मिल रहा है ना, मुझे कोई एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है ना, घर मिल रहा है, पैसा है तो क्या मिल रहा है? गाली, बेइज्जती। तो आप लोग जो विमेन है, आप तो मां है, आप तो भाई है, आप तो बेटी, आप मुझे अपना बेटा समझो, अपना भाई समझो, अपना अपना परिवार समझो, आप मुझे हेल्प करो। आज मैं महाराजा बन के आपसे आपको हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूं, हेल्प मी चेंज द सिस्टम। आप लोग काम कर, मैं थक चुका हूं, लेकिन अगर आप लोग भी घर में बैठ के रहेंगे, अगर आप लोग मेरे लिए और मेरा जो मैसेज है ये गांव में ले जाओ, किसी ने करप्शन किया पकड़ो साले को और दो मारो कानून, कोई एमएलए हो, ईएम हो, एमडीसी हो, ऑफिसर हो, चोर चोर है, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई जनरल सेक्रेटरी हो, चोर चोर,
और मैं नहीं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आप लोग मुझे पूरा बात नहीं दो। टू फाइट करप्शन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और ये मेरा मैसेज है सबको। आई लव यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग जीता है, आपका काम, आपका महाराज आपके बारे में बात नहीं करेगा, आपका काम, आपका लोग आपके बारे में बात करेगा। अगर आपने काम किया तो लोग आपके लिए बात करेंगे। और यहां में सब लोग बहन है, यहां में ना क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना तिपरासा है, ना मुंडा है, ना बंगाली है, ना मणिपुरी है, सब बहन है। और हर बहन को उठना पड़ेगा अगर हमको अपने गांव में काम करना है, अपने परिवार को उठाना है, अपना देश को उठाना, अपना राज्य को। यही मेरा मैसेज है। आई लव यू, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू ऑल ऑफ यू देयर आल्सो।